बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज मुर्तजा काइल एंड वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ कंसोलिडेशन। आज की इस वीडियो में हम कंसोलिडेशन से पर्टेनिंग एक सिंपल सी एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हमारे पास नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट होगा, जिसमें हमारे पास गुडविल का कॉन्सेप्ट होगा। और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे पास नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एनसीआई को रिकॉर्ड करने के दो मैथड्स अवेलेबल है। मैथड वन दैट इज प्रोपोर्शनेट शेयर इन द नेट एसेट्स ऑफ द सब्सिडियरी, एंड मैथड टू दैट इज एनसीआई फेयर वैल्यू। तो हम इस एग्जाम्पल में दोनों मेथड से एनसीए कैलकुलेट करेंगे। अकॉर्डिंगली जो हमारे पास गुडविल वर्कआउट होगी वो भी हमारे पास दो डिफरेंट तरह से वर्कआउट होगी, नंबर वन पार्शियल गुडविल मेथड एंड नंबर टू फुल गुडविल मेथड। तो चलते हैं अपने सवाल की तरफ। कहता है डेडी लिमिटेड एक्वायर्ड 80% शेयर्स इन सन लिमिटेड ऑन 30 जून 2004 व्हेन सन लिमिटेड रिटेन अर्निंग्स अमाउंट टू करेंसी यूनिट 12,000। हमारे पास पेरेंट कंपनी है डेडी लिमिटेड के नाम से, सब्सिडरी कंपनी है सन लिमिटेड के नाम से। पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के 80% शेयर्स एक्वायर किए, यानी कि मोर देन 50% शेयर्स एक्वायर किए, यानी कि कंट्रोलिंग शेयर्स एक्वायर किए 30 जून 2004 पे। तो 30 जून 2004 हमारे लिए बन जाएगी डेट ऑफ एक्विजिशन। और जिस वक्त पेरेंट ने सब्सिडरी के 80% शेयर्स एक्वायर किए, उस वक्त सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग्स 12,000 करेंसी यूनिट्स की थी। फिर आगे कहता है द मार्केट वैल्यू द मार्केट प्राइस ऑफ सन शेयर जस्ट बिफोर द एक्विजिशन डेट वॉज 1.2 पर शेयर। क्या जिस वक्त पेरेंट कंपनी ने सब्सिडी कंपनी के 80% शेयर एक्वायर किए, उस वक्त सब्सिडी कंपनी के एक शेयर की जो मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू थी वो 1.2 करेंसी यूनिट्स थी। डैडी एंड सन सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2004 आर बिलो। हमारे पास दोनों कंपनीज की सेपरेट बैलेंस शीट, सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अवेलेबल है 31 दिसंबर 2004 पे। यानी कि हमने सब्सिडी को फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं बल्कि 6 महीने पहले 30 जून 2004 पे ही एक्वायर किया था। और जिस वक्त हमने सब्सिडी को एक्वायर किया था, उस वक्त सब्सिडी की रिटेन अर्निंग्स में ऑलरेडी 12,000 का बैलेंस था। फिर हम इनकी बैलेंस शीट को देखें तो बैलेंस शीट में हमारे पास प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट आ रहा है, इन्वेस्टमेंट इन सन लिमिटेड आ रहा है पेरेंट की बैलेंस शीट में 80,000। और ये 80,000 की मॉनिटरी अमाउंट, 80,000 करेंसी यूनिट्स इस सन लिमिटेड के 64,000 शेयर्स की इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करती है। फिर हमारे पास करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस, टोटल एसेट्स, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर कैपिटल के आगे लिखा है 1 करेंसी यूनिट ईच। यानी हर शेयर की पार वैल्यू 1 करेंसी यूनिट है, हर शेयर की पार वैल्यू 1 करेंसी यूनिट है। पेरेंट का शेयर कैपिटल आ रहा है 200 यानी कि 2 लाख। सब्सिडी का शेयर कैपिटल आ रहा है 80,000 यानी कि सब्सिडी के 80,000 शेयर्स हैं। और 80,000 शेयर्स में से आपने 64,000 शेयर्स एक्वायर किए, यानी कि बेसिकली आपने सब्सिडी का 80% शेयर होल्डिंग एक्वायर किया, जैसे कि सवाल की बेसिक इन्फॉर्मेशन में गिवन था। फिर हमारे पास ईयर एंड पे रिटेन अर्निंग का बैलेंस आ रहा है पेरेंट कंपनी का 90,000, सब्सिडी कंपनी का 17,000। जबकि हमने जब 6 महीने पहले सब्सिडी को एक्वायर किया था, उस वक्त रिटेन अर्निंग का बैलेंस 12,000 था। और इन 6 महीनों में 12,000 से ये ग्रो करके 17,000 हो चुका है। फिर हमारे पास कुछ लाइबिलिटीज आ रही है, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म लोन। अब रिक्वायरमेंट में कहता है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ डैडी ग्रुप एज एट 31 दिसंबर 2004 इफ डैडी डिसाइडेड टू मेजर एनसीआई एट प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ सन्स नेट एसेट्स। यानी कि एक दफा हमने सारी कैलकुलेशन, सारी ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ग्रुप बैलेंस शीट ड्रॉ करनी है, कंसिडरिंग हम अपनी एनसीआई को प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स में मेजर करें। एंड केस बी डैडी डिसाइडेड टू मेजर द एनसीआई एट इट्स फेयर वैल्यू। और केस बी में हमें यही बैलेंस शीट दोबारा से बनानी है, कंसिडरिंग कि हम अपनी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को फेयर वैल्यू पे मेजर कर रहे होंगे। तो चलते हैं अपनी वर्किंग की तरफ। जैसे कि हमने लास्ट एग्जाम्पल में कहा था कि जब आप कंसोलिडेशन के बैलेंस शीट के परस्पेक्टिव से सवाल करोगे या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे, कुछ 3-4 तरह की पैट या बेसिक वर्किंग्स है जो कि आपने हर हाल में बनानी है। लास्ट क्लास में हमने एक वर्किंग देखी थी चेंजेस इन नेट एसेट्स, जिसमें हम सब्सिडरी के नेट एसेट्स एट एक्विजिशन, नेट एसेट्स एट रिपोर्टिंग, और इसमें जो भी इंक्रीज या डिक्रीज आया होता है वो बेसिकली हमारी पोस्ट एक्विजिशन अर्निंग्स बनती है। लास्ट एग्जांपल में हमने ग्रुप रिजर्व्स का कॉन्सेप्ट देखा था। आज के इस लेक्चर में, आज के इस प्रैक्टिकल एग्जांपल में हम एनसीआई और गुडविल का कॉन्सेप्ट देखने लगे। तो मैंने आपके सामने कुछ फॉर्मेट ड्रॉ किया हुआ है, जिसमें हम सारी वर्किंग्स दोनों डिफरेंट मेथड से कर रहे होंगे। एक मेथड है हमारे पास नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एंड प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स, एक मेथड है हमारे पास एनसीआई यानी कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट फेयर वैल्यू। जब हम एनसीआई को प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स के तहत मेजर करेंगे, तो इसका मतलब है कि हम गुडविल, पार्शियल गुडविल मेथड के तहत वर्कआउट करेंगे। और जब हम अपनी एनसीआई को फुल गुडविल फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे, तो इसका मतलब है कि हम गुडविल, फुल गुडविल मेथड के तहत वर्कआउट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं वर्किंग बना लेता हूँ चेंजेस इन नेट एसेट्स की।
नेट एसेट्स में कितना चेंज आया फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टू द डेट ऑफ रिपोर्टिंग, इसके लिए हमें सब्सिडियरी कंपनी के नेट एसेट्स चाहिए एट द डेट ऑफ एक्विजिशन एज वेल एज एट द डेट ऑफ रिपोर्टिंग। और जैसा कि हमें मालूम है कि अकाउंटिंग इक्वेशन में नेट एसेट मस्ट बी इक्वल टू द नेट इक्विटी, तो मैं सब्सिडियरी की नेट इक्विटी को कैलकुलेट कर लूं अगर डेट ऑफ एक्विजिशन और डेट ऑफ रिपोर्टिंग पे, तो यही नेट एसेट्स का नंबर होगा डेट ऑफ एक्विजिशन पे डेट ऑफ रिपोर्टिंग पे। सर सब्सिडियरी का शेयर कैपिटल हमें मालूम है दैट इज 80,000, डेट ऑफ एक्विजिशन पे भी डेट ऑफ रिपोर्टिंग पे भी। सब्सिडियरी की रिटेन अर्निंग्स हमें मालूम है, जब हमने सब्सिडियरी को एक्वायर किया था 30 जून 2004 पे, उस वक्त इसकी रिटेन अर्निंग का बैलेंस था 12,000 और बैलेंस शीट डेट पे इसकी रिटेन अर्निंग का बैलेंस 17,000 हो गया। तो हमारे पास नेट एसेट एट एक्विजिशन आ गए 92,000 और हमारे पास नेट एसेट एट रिपोर्टिंग आ गया 97,000। अच्छा, अगर मैं अपने सेकंड मेथड के तहत चलूं एनसीआई को फेयर वैल्यू कैलकुलेट करूं, तो नेट एसेट्स की वर्किंग तो हमारी ऐसे ही बनेगी, यानी कि हमारे पास शेयर कैपिटल आ जाएगा 80,000 एट एक्विजिशन, 80,000 एट रिपोर्टिंग। इसी तरह से रिटेन अर्निंग्स आ जाएंगे 12,000 एट एक्विजिशन एंड 17,000 एट रिपोर्टिंग। तो हमारे पास नेट एसेट्स या नेट इक्विटी एट एक्विजिशन आ गया 92,000 और नेट एसेट्स या नेट इक्विटी एट रिपोर्टिंग आ गया 97,000। अगर हम दोनों मैट्रिक्स में देखें कि सब्सिडियरी ने इस 6 महीने के अरसे में हमें कितना अर्न करके दिया या पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व कितने, तो सर वो सिंपली 92,000 और 97,000 का डिफरेंस होगा दैट इज 5,000। ये 5,000 हमारे पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व या पोस्ट एक्विजिशन अर्निंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम इसी तरह से यहां पे भी ये आ जाएगा 5,000। ये 5,000 का नंबर हमारे पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व या पोस्ट एक्विजिशन अर्निंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हम देखते हैं आगे जाके क्या करना। अब हम आते हैं गुडविल की वर्किंग पे। गुडविल हम दो तरह से कैलकुलेट करेंगे, एक फुल गुडविल मेथड के तहत, एक पार्शियल गुडविल मेथड के तहत। पार्शियल गुडविल मेथड के तहत हम क्या करते हैं कि हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लेते हैं कि पेरेंट ने जब इस सब्सिडी को एक्वायर किया तो पेरेंट ने कितनी कॉस्ट बियर की। हमारे पास कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, सर पेरेंट ने सब्सिडी को एक्वायर करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया है वो हमारे पास सवाल में अवेलेबल थी, दैट वाज 80,000। दैट वाज 80,000 इन्वेस्टमेंट इन सन, 64,000 शेयर्स, 80,000 करेंसी यूनिट। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगा हमारे पास 80,000। अब पार्शियल गुडविल मेथड के तहत हम क्या करते हैं कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से लेस कर देते हैं फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एक्वायर्ड, कि हमने सब्सिडी के कितने नेट एसेट्स एक्वायर किए। सर सब्सिडी के नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन है हमारे पास, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन हमारे पास 92,000। इस 92,000 के नेट एसेट्स का हमने 80% एक्वायर किया, तो हमारे पास आ जाएगा 92,000 इंटू 80%। तो ये बन जाता है 92,000 इंटू 80% 73,600। और हमारे पास जो गुडविल वर्कआउट होगी, जो कि पार्शियल गुडविल है, जो कि 80% सब्सिडी की गुडविल को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज 80,000 माइनस 73,600। तो ये आ गया हमारे पास 6,400। सर यही गुडविल अगर हम फुल गुडविल मेथड के तहत कैलकुलेट कर रहे होते, अगर हमें फुल गुडविल मेथड के तहत गुडविल को कैलकुलेट करना है, तो इस केस में हम क्या करते हैं कि इस केस में भी हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो कंसिडर करते ही हैं। तो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 80,000 और चूंकि अब हम फुल गुडविल यानी कि 100% गुडविल कैलकुलेट कर रहे, तो हम ओवरऑल इस सब्सिडियरी की वैल्यू वर्कआउट करते हैं जिसमें 80% शेयर्स हमारे पास है, जिसकी 80% की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, और फिर फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। अब फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पे सर यहां पे सब्सिडियरी के 80,000 शेयर्स थे, यहाँ पे सब्सिडियरी के 80,000 शेयर्स थे जिसमें से 64,000 शेयर्स हमने एक्वायर कर लिए, तो यानी कि रिमेनिंग के जो 16,000 शेयर्स है, जो कि 20% ऑफ द शेयर्स है, वो एनसीआई के पास है। और हर शेयर की फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी, 1.2। तो हमारे पास एनसीआई की फेयर वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, सर हमारे पास एनसीआई की फेयर वैल्यू कैलकुलेट होगी 16,000 शेयर्स इंटू मार्केट प्राइस पर शेयर, दैट इज 1.2। तो ये आ जाएगा 16,000 इंटू 1.2 19,200।
19,200। तो टोटल सब्सिडी की जो वैल्यू बन गई वो बन गई 80,000 प्लस 19,200, ये आ गया 99,200। अब इस 99,200 से हम लेस करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन, कि जिस वक्त आपने सब्सिडी को एक्वायर किया उस वक्त सब्सिडी के टोटल नेट एसेट्स कितने थे? सर उस वक्त सब्सिडी के टोटल नेट एसेट्स थे 92,000 के। तो अगर मैं इस टोटल सब्सिडी की वैल्यू से 92,000 लेस कर दूं तो ये आ जाएगा हमारे पास गुडविल, और ये गुडविल हमारे पास फुल गुडविल मेथड के तहत है। तो 99,200 माइनस 92,000, ये आ गया हमारे पास 7,200। तो जब हम पार्शियल गुडविल मेथड के तहत गुडविल वर्कआउट कर रहे हैं, यानी कि 80% ऑफ द सब्सिडी की गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो आ रही है हमारे पास 6,400। जब हम फुल गुडविल मेथड के तहत यानी कि सब्सिडी के 100% गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो आ रही है हमारे पास 7,200। इसके बाद दोनों मेथड्स में हम एनसीआई कैलकुलेट करते हैं। अगर हमने एनसीआई को प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स पे रखा हुआ है, एनसीआई एट एक्विजिशन का नंबर कैसे कैलकुलेट होगा? सर एनसीआई एट एक्विजिशन कैलकुलेट होगा सिंपली जो भी सब्सिडी के नेट एसेट, जो भी सब्सिडी के नेट एसेट्स एट एक्विजिशन दे दैट इज 92,000 का ही 20%, 92,000 का ही 20% एनसीआई एट एक्विजिशन आ जाएगा एनसीआई एट प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स मेथड में। तो 92,000 इंटू 20%, तो ये आ गया 18,400। इसी तरह अगर हम फुल गुडविल मेथड यानी कि एनसीआई एट फेयर वैल्यू में एनसीआई कैलकुलेट करें, एनसीआई एट फेयर वैल्यू आ जाएगा फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, दैट इज 19,200। तो हमारे पास एनसीआई एट एक्विजिशन आ जाएगा इस केस में 19,200। अब इसके बाद हमें पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने और उनको अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमने ऑलरेडी दोनों मेथड्स में पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स कैलकुलेट किए हैं, दैट इज 5,000। लेकिन अब ये जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स या पोस्ट एक्विजिशन अर्निंग्स हैं, ये सारी की सारी डैडी लिमिटेड या पेरेंट लिमिटेड की नहीं है। इसका 80% हिस्सा पेरेंट का है, इसका 20% हिस्सा एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का है। तो मैं क्या करता हूं कि मैं इस 5,000 के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं 80% और 20% के रेशियो में। तो ये आ जाता है 5,000 इंटू 80% 4,000 और 5,000 इंटू 20% दैट इज 1,000। तो ये बेसिकली डैडी लिमिटेड के हिस्से की इनकम है और ये बेसिकली एनसीआई के हिस्से की इनकम है। इसी तरह फुल गुडविल मेथड में भी 5,000 को हम 80% 20% में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये आ जाएगा 4,000 और ये आ जाएगा 1,000। ये 4,000 बेसिकली डैडी यानी कि पेरेंट लिमिटेड का हिस्सा है और 1,000 एनसीआई का हिस्सा है। अब पहले हम एनसीआई को क्लोज कर देते हैं। एनसीआई का जो हमने हिस्सा कैलकुलेट किया था 1,000, ये हम एनसीआई को दे देंगे दोनों ही मेथड्स में। तो हमारे पास एनसीआई एट एक्विजिशन थी, प्रोपोर्शनेट शेयर पे भी था और फेयर वैल्यू पे भी था। इसमें हम ऐड कर देंगे पोस्ट एक्विजिशन 1,000। तो प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स के तहत जो हमारी एनसीआई का नंबर वर्कआउट होगा वो होगा टोटल 19,400। और फुल गुडविल मेथड के तहत जो हमारे पास एनसीए का पोस्ट एक्विजिशन था हिस्सा, दैट इज सेम 1,000। तो फुल गुडविल मेथड में जो हमारे पास एनसीए रिपोर्टिंग डेट पर वर्कआउट होगा वो होगा 20,200। इसके बाद फिर हम ग्रुप रिजर्व्स की वर्किंग बनाते हैं। ग्रुप रिजर्व्स की वर्किंग में जो हमारी पेरेंट कंपनी है दैट इज डैडी लिमिटेड, इसकी तो 100% रिटेन अर्निंग्स आएंगी, सेम सेकंड मेथड में भी। सर पेरेंट की डैडी लिमिटेड की रिटेन अर्निंग्स हम बैलेंस शीट से देख सकते हैं। सर डैडी लिमिटेड की रिटेन अर्निंग्स बैलेंस शीट डेट पे थी 90,000। तो ये हमारे पास आ गया 90,000 दोनों ही मेथड्स में। और फिर इसमें हम ऐड कर देंगे पोस्ट एक्विजिशन जो हमने सन लिमिटेड से कमाया। तो सन लिमिटेड से टोटल तो हमने 5,000 कमाया था, लेकिन 5,000 में से 4,000 एनसीए का था, बाकी 80% सॉरी 5,000 में से 1,000 तो एनसीए का था, लेकिन बाकी 80% यानी कि 4,000 ये पेरेंट का हिस्सा था। पेरेंट के ग्रुप रिजर्व्स में हम 90,000 में ऐड कर देंगे 4,000, तो ये आ जाएगा हमारे पास 94,000।
इसी तरह यहां पे भी अगर हम पोस्ट एक्विजिशन सन से आने वाला हिस्सा ऐड कर देता है तो इस 4000 हो जाएगा हमारे पास 94000। तो ये हमने सारे नंबर्स कैलकुलेट कर लिए, बस अब हमें इसकी बैलेंस शीट बनानी है। अच्छा, अगर मैं थोड़ी इसकी जनरल एंट्रीज बनाऊं कि सेपरेट बुक्स में और कंसोलिडेट बुक्स में दोनों मेथड्स के तहत क्या एंट्रीज रिकॉर्ड हुई होगी सब्सिडी को रिकॉर्ड करने के लिए, तो वो भी जरा देख लें। देखें, जो पेरेंट की सेपरेट बुक्स है जो डैडी लिमिटेड की सेपरेट बुक्स है उसमें तो डैडी लिमिटेड ने इस इन्वेस्टमेंट को कैसे रिकॉर्ड किया है? सर, उसमें डैडी लिमिटेड ने इस इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड किया है इन्वेस्टमेंट्स सन लिमिटेड डेबिट 80,000, क्योंकि 80,000 हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट थी, और कैश एंड बैंक क्रेडिट कर दिया होगा 80,000। सर, ये एंट्री पेरेंट ने अपने सेपरेट बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन जब डेट ऑफ एक्विजिशन पे आप सब्सिडी को कंसोलिडेट करोगे, सब्सिडी के सारे नेट एसेट्स अपने पास रिकॉर्ड करोगे, अब डैडी ग्रुप की कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में, ये कंसोलिडेटेड बुक्स में क्या जनरल एंट्री बनेगी? सर, ये डिपेंड करता है कि आपने एनसीआई को, आपने गुडविल को किस मेथड के तहत अकाउंट फॉर करना है। दो बातें हो सकती हैं, या तो मैं एनसीआई को एट प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स कैरी करूं, या मैं एनसीआई को एट फेयर वैल्यू मेजर करूं। दोनों मेथड्स में क्या जनरल एंट्री बनेगी, हम दोनों मेथड्स की जनरल एंट्रीज देख लेते हैं। अगर तो आप एनसीआई को प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स मेजर कर रहे हो, तो कंसोलिडेटेड बुक्स में किस तरह से इसे रिकॉर्ड करोगे? सर, आप सब्सिडी के सारे नेट एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे तो आपके पास नेट एसेट्स डेबिट हो जाएंगे, सब्सिडी के नेट एसेट्स एट एक्विजिशन थे 12,000। फिर सब्सिडी से पर्टेनिंग आपने गुडविल भी रिकॉर्ड की तो आपके पास गुडविल रिकॉर्ड हो जाएगी। गुडविल हमारे पास पार्शियल गुडविल मेथड में कितनी थी? सर, 6,400। तो हमारे पास गुडविल डेबिट हो जाएगी 6,400। हमारी जो इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड है, अब ये डीरेकग्नाइज या कैंसिल हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगा 80,000। और हमारे पास एनसीआई की एक ऑब्लिगेशन या एनसीआई का एक्सटेंड शो हो जाएगा, और पार्शियल गुडविल मेथड के तहत एनसीआई प्रोपोर्शन मेथड के तहत एनसीआई एक्विजिशन था 18,400। तो हमारे पास एनसीआई 18,400 रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर यही काम हम एनसीआई फेयर वैल्यू या फुल गुडविल मेथड में करते तो हम सब्सिडी के सारे नेट एसेट्स को कैपिटलाइज करते, दैट इज 92,000, सेम अमाउंट एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। हम गुडविल को रिकॉर्ड करते, अब यहां गुडविल का अमाउंट थोड़ा सा डिफरेंट है। फुल गुडविल मेथड में जो हमारे पास गुडविल थी वो थी 7,200, तो 7,200 से हमारे पास गुडविल रिकॉर्ड हो जाती। जो हमने इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड की थी वो हमारी कैंसिल या क्रेडिट हो जाएगी, दैट इज 80,000। और यहां हमारे पास एनसीआई एट द डेट ऑफ एक्विजिशन फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड होगा, और इस केस में जो एनसीआई की फेयर वैल्यू थी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन दैट वॉज 19,200, तो ये 19,200 से रिकॉर्ड हो रहा होगा। अब दोनों एंट्रीज को चेक करेंगे तो दोनों एंट्रीज रिकंसाइल्ड है। बेसिकली हो ये रहा है कि जब आप एनसीआई को प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स पे रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपके पास जो गुडविल रिकॉर्ड हो रही है सिर्फ वो पेरेंट के 80% हिस्से की रिकॉर्ड हो रही है, और जब आप एनसीआई को फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपके पास जो गुडविल रिकॉर्ड हो रही है वो 100% यानी कि फुल गुडविल रिकॉर्ड हो रही है। बाकी नेट एसेट्स तो दोनों में सेम है, जो हमने इन्वेस्टमेंट की वो भी हमारी सेम अमाउंट से क्रेडिट हो रही है। तो ये हमारी सेपरेट बुक्स और कंसोलिडेटेड बुक्स की जनरल एंट्रीज है। कंसोलिडेटेड बुक्स में एनसीएट फेयर वैल्यू या एनसीएट प्रोपोर्शनेट शेयर के तहत जो एंट्रीज बनेगी वो मैंने आपके सामने प्लॉट कर दी। अब हम फाइनल वर्किंग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे देखें, सबसे पहले गुडविल तो लाजमी आएगा दोनों मेथड में, चाहे फुल गुडविल मेथड हो चाहे पार्शियल गुडविल मेथड हो, तो गुडविल तो आपके पास लाजमी आएगा। गुडविल हमने कैलकुलेट किया हुआ है। सर, गुडविल हमारे पास कितना है? गुडविल हमारे पास था एक केस में 6,400, दूसरे केस में 7,200, तो 6,400 एंड 7,200। इसके बाद अगर आप बैलेंस शीट भी देखें तो बैलेंस शीट पे आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है,
सर प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट अगर आप देखें तो पेरेंट का प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है 1,24,000, सब्सिडियरी का है 90,000। तो 124 प्लस 90 क्या जाएगा, 124 प्लस 90 214,000। और सेम यही प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट फुल गुडविल मेथड के तहत भी आ जाएगा, दैट इज 214,000। तो हमारे पास ग्रुप अकाउंट्स के नॉन करेंट एसेट्स आ गए 6,400 प्लस 2,14,000। तो एक केस में आ गया ये 2,20,400, फुल गुडविल मेथड के तहत ये आ गया 7,200 प्लस 2,14,000, तो ये आ गया 2,21,200। इसके बाद करंट एसेट्स में अगर हम देखें तो करंट एसेट्स में हमारे पास तीन चीजें हैं, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश इन बैंक। सेम इसी तरीके से यहां पे भी इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश इन बैंक। अब नंबर्स देख लेते हैं इनके दोनों की बैलेंस शीट से, पैरेंट और सब्सिडियरी की। सर इन्वेंट्री का नंबर है 55,000 एंड 24,000, तो ये हमारे पास हो जाएगा 55 प्लस 24, ये आ जाएगा 79,000 और इस केस में भी 79,000। इसी तरह से ट्रेड रिसीवेबल देखें दोनों कंपनीज का, तो ट्रेड रिसीवेबल है हमारे पास 43,000 और 12,000, तो ये आ जाएगा 43 प्लस 12, तो ये आ गया 55,000 पार्शियल गुडविल मेथड में भी, फुल गुडविल मेथड में भी। इसके बाद कैश इन बैंक देखें तो कैश इन बैंक का बैलेंस आ रहा है हमारे पास 28,000 और 8,000, तो ये आ गया हमारे पास 28 प्लस 8, यानी कि 36। तो हमारे पास दोनों मेथड्स में करंट एसेट्स तो सेम है, 79,000 प्लस 55,000 प्लस 36,000, ये आ गया 170,000 और यहां पे भी 170,000। करंट एसेट्स के बाद मैं टोटल एसेट्स भी कैलकुलेट कर सकता हूं, दैट इज करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स। तो हमारे पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे, टोटल एसेट्स ऑब्वियसली दोनों में सेम नहीं आएंगे क्योंकि दोनों में गुडविल का अमाउंट डिफरेंट है। तो 2,20,000 प्लस 2,20,400 प्लस 1,70,000, ये हो गया हमारे पास 3,90,400। और सेकंड में 2,21,200 प्लस 1,70,000, तो ये आ गया 391,200। इसके बाद अब हम आते हैं इक्विटी और लाइबिलिटीज पे। इक्विटी और लाइबिलिटीज में सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल सिर्फ ग्रुप अकाउंट्स में पेरेंट कंपनी का आएगा, वो मुझे याद है, दैट इज 2,00,000। तो दोनों मेथड्स में शेयर कैपिटल सिर्फ पेरेंट का आएगा, दैट इज 2,00,000। उसके बाद ग्रुप रिजर्व्स, अब ग्रुप रिजर्व्स हमने अपनी वर्किंग में शो किया था, कैलकुलेट किया था कि ग्रुप रिजर्व्स कितने हैं। दोनों मेथड्स में ग्रुप रिजर्व्स का जो नंबर कैलकुलेट हुआ है वो हमारा सेम कैलकुलेट हुआ था, देख लेते हैं उससे। तो हमारे पास ग्रुप रिजर्व्स का नंबर था 94,000। तो हमारी बैलेंस शीट में 94,000 के ग्रुप रिजर्व्स आ जाएंगे। जब फिर हमारी बैलेंस शीट पे एनसीए आ जाएगी, दैट इज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, और ये दोनों मेथड्स में हमने डिफरेंट अमाउंट कैलकुलेट किया था। जब हम प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स में एनसीए कैलकुलेट कर रहे थे तो ये नंबर था 19,400 रिपोर्टिंग डेट पे, और जब हम फुल गुडविल फेयर वैल्यू एनसीए पे मेजर कर रहे थे तो ये आ रहा था 20,200। 19,400 और 20,200, 19,400 20,200। फिर हम आते हैं लाइबिलिटीज पे, तो लाइबिलिटीज हमें बैलेंस शीट से मिल जाएगी। हमारे पास ट्रेड पेबल है
पेरेंट का 30,000, सब्सिडी का 22,000। ट्रेड पेबल 30,000 प्लस 22,000, तो ये आ जाएगा 52,000। इसी तरह से ट्रेड पेबल 52,000। और हमारे पास लाइबिलिटीज में कुछ शॉर्ट टर्म लोन भी आ रहा था सर। शॉर्ट टर्म लोन था हमारे पास 10,000 और 15,000। ये आ गया 10,000, सॉरी 10,000 प्लस 15,000, तो ये आ जाएगा 25,000। ट्वेंटी फाइव थाउजेंड हमारे पास करंट लाइबिलिटीज का टोटल आ जाएगा। दैट्स 52 प्लस 25, 77,000। दोनों ही केसेस में सेम। अब फाइनली अगर हम अपनी इक्विटी और लाइबिलिटीज का टोटल करें तो ये आ जाएगा पहले वाले केस में 2 लाख प्लस 94,000, 94,000 प्लस 19,400 प्लस 77,000, तो ये आ गया 3,90,400, जो कि हमारे टोटल एसेट से मैच भी कर रहा है। 3,90,400, और यही 3,90,400 के आपने टोटल एसेट भी पहले वाले केस में कैलकुलेट किए थे। ये आ गई हमारी इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इसी तरह से सेकंड केस में अगर हम देखें तो 2 लाख का शेयर कैपिटल, 94,000 के ग्रुप रिजर्व्स, 20,200 के एनसीआई प्लस 77,000 की लाइबिलिटीज, तो ये आ गया हमारे पास 391,000 200। और हमने जो यहाँ टोटल एसेट्स कैलकुलेट किए थे वो भी हमारे पास कितने थे, 391,200, 391,200। तो ये हमारी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज है। तो यहां तक हमारी कंसोलिडेट बैलेंस शीट दोनों मेथड के तहत प्रिपेयर्ड है, रिकनसाइल्ड है। आई होप कि मैं आपको ये सारी बातें अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज के इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू।